इस पूरे ग्लोब पर कितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? इसका अंदाजा इस धरती के विचित्र विचित्र लोग ने अपने अपने तरीकों से लगाया। ऐसा माना जाता था कि 50 से 70 मिलियन पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म हैं इस पूरे ग्लोब पे। लेकिन एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट मे। साइंटिस्ट थे रॉबर्ट मे। ये थे ऐसे साइंटिस्ट जिनको कि इस बायोडायवर्सिटी का बहुत ही अच्छा नॉलेज था। तो ये जो थे वो डाटा दिए कि इस पूरे अर्थ पे अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, 7 मिलियन बायोडायवर्सिटी है। और ये डाटा उस समय थोड़ा रिलेवेंट भी था और साइंटिफिकली साउंड था, वरना लोग तो 50 से 70 मिलियन तक का कयास लगा चुके थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल नोमनक्लेचर है, इसका जरूरत क्यों पड़ा? इस धरती पे इतना ज्यादा 7 मिलियन का एस्टिमेशन था पॉपुलेशन का, बट इनमें से जो डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है वो आपके एनसीईआरटी डाटा के अनुसार 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन तक का ही है। इतने ही ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे पास एक्चुअल डाटा मौजूद है, बाकी जितने बच गए उनके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है, वो अभी तक अनडिस्कवर्ड हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जाइए और दो चार ऑर्गेनिज्म को आप ही ढूंढ करके लाइए और अपना जो डाटा बुक है उसमें अपना नाम एंट्री कराएं। तो ये जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, इसका जरूरत पड़ा क्योंकि अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिल रहा था और लोग अपने तरीके से अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसका नाम दे रहे थे। इससे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। जैसे जब हम कोटा में थे तो वहां पे बेसन को, जो हमारे घरों में बेसन बनता है, उसको वहां पे लोग गट्टे के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर जो परोर होते हैं उनको वहां पे गिलकी कहते थे, यहाँ पर जो मुनगा होता है उसको वहां पर सहजन कहते थे। तो यही चीजें चल रही थी और जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। अब हम बोल रहे हैं कि ये गट्टा यहाँ पे बोल रहे हैं, वहां पे कहीं पे उसको बेसन बोल रहे हैं, तो कि कौन सा नाम सही है? इससे बचने के लिए एक टीम का गठन हुआ, एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ कोई भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए। एंड दो तरह के आपको नोमेनक्लेचर का ऑर्गेनाइजेशन है। एक था हमारा ICBN, राइट, और दूसरा आया हमारा ICZN। इसका फुल फॉर्म है, ICBN का फुल फॉर्म था इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल, सॉरी बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN का फुल फॉर्म था इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, राइट। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा स्लाइट चेंज है, यहाँ पे इंटरनेशनल कोड फोर बोला जाता है और यहाँ पे इंटरनेशनल कोड ऑफ बोला जाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपकी जब नीट एग्जामिनेशन या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां पे ये चीज भी मायने रखती है, अपने तरफ से आप ऑफ या फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, ये है आपका प्लांट्स के लिए और ये है आपका एनिमल्स के लिए। ये प्लांट्स के जो नोमेनक्लेचर है और नाम देने का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हमारा हमारा जितने भी एनिमल्स हैं उनको नोमेनक्लेचर देने का काम करता है। बट ये जो नोमेनक्लेचर था वो इतना सिंप्लीफाइड नहीं था, उसके लिए सर्टेन रूल्स बनाया गया, राइट। तो वो जो रूल्स हैं वो आपको अभी हम 5 पॉइंट्स टोटल आपके बोर्ड पे दिख रहे होंगे, इन्हीं 5 पॉइंट्स को आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को यार लाइक कर दो क्योंकि उससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। सो डियर स्टूडेंट्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम था वो कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे, राइट। इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसलिए कहा जाता है कि ये जो नाम लिखने का सिस्टम होता है इसमें दो नामों को जनरली ऐड किया जाता है। आइए वन बाय वन उस नोमेनक्लेचर के रूल्स को समझें। देखिए पहला जो रूल्स है उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, उसमें जीनस का नाम लिखा जाता है। जो उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जीनस होगा उसको हम लोग पहले लिखते हैं, और सेकेंड जो वर्ड होगा उसमें हम लोग स्पेसिफिक इपिथेट को लिखते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिस और इपिथेट मतलब हम लोग बोलते हैं कि उसका एडजेक्टिव, मतलब उस स्पेसिस का खासियत के बारे में लिखते हैं। इपिथेट हियर स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव, से इसको हम लोग डिनोट कर सकते, एक विशेषण है, मतलब स्पेसिस का
विशेषण दिया जाता है, राइट। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब हम लोग हैंड रिटन, मतलब अगर हम लोग हाथ पे, जैसे कि अभी आप हमको बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो जब हैंड रिटन होगा तो उसको हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, राइट। सेपरेटली अंडरलाइन मतलब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि एक एग्जांपल लिखे हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, दैट इज कॉल्ड मैंजीफेरा इंडिका, जो कि आम का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। तो इसमें देखिए, अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा, मतलब इसको अलग से अंडरलाइन और इसको अलग से अंडरलाइन। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने बुक में पढ़ रहे होंगे ये नाम, तो वहां पे अंडरलाइन नहीं किया गया होगा। वही रूल नंबर आपका सेकंड कहता है कि अगर प्रिंट किया हुआ है तो वहां पे प्रिंटेड फॉर्म में जब रहेगा तो बस उसको इटैलिसाइज किया जाएगा, इटैलिक फॉर्म में लिख दिया जाएगा, वहां पे कोई अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। इसलिए आपका बुक में अंडरलाइन नहीं मिलेगा, उस वर्ड को थोड़ा सा इटैलिसाइज कर दिया जाता है, मतलब देखिएगा वहां पे उस वर्ड को हल्का सा टेढ़ा लिखा जाता है, इटैलिक फॉर्म आप जानते हैं, राइट। उसके बाद रूल नंबर 3 आता है आपका कि जो जीनस का नेम है, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल से लिखा जाएगा, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, आप समझ जाएंगे। यहां पर देखिए, मैंने लिखा है मैंजीफेरा इंडिका एग्जांपल के तौर पे, तो इसका जो एम है वो किस तरह से लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। और उसी तरह से अगर हम सेकंड की बात करें तो जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उसका, स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो जो फर्स्ट लेटर जो है वो हमारा स्मॉल में लिखा जाता है। जैसे कि स्पीसीज का नाम इंडिका है तो इंडिका का जो आई देखिए यहाँ पे वो किस तरीके से लिखा गया है, स्मॉल वर्ड में, स्मॉल लेटर में लिखा गया है। तो ये आपका था रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 है आपका कि जो बायोलॉजिकल नेम है वो जनरली लैटिन वर्ड से डिस्कवर किया गया है, मतलब जनरली वे लैटिन वर्ड से बने होते हैं और इनको लिखा जाता है, कैसा लिखा जाता है, इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि राइट तो हम लोग इटैलिक में करते हैं और लैटिन वर्ड से ये डिस्कवर्ड होते हैं ज्यादातर जो हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होते हैं। अब हमारा जो 5th है कि अगर उसको कोई ऑथर या फिर कोई साइंटिस्ट या कोई पर्सन किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया है तो उसकी अगर मर्जी हो तो चाहे तो अपना नाम भी वहां पे अपना ऐड कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे देखिए कि मैंजीफेरा इंडिका जो थे वो लिनियस ही जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डिस्कवर किए थे वही डिस्कवर किए थे इसको, इसलिए मैंजीफेरा इंडिका के साथ ये लिन नाम भी ऐड किया हुआ रहता है। बट ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा जो ऑथर का नेम होता है वो एब्रिविएटेड फॉर्म में रहता है, राइट। एब्रिविएटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म में रहता है, abbreviated। अब देखिए लिनियस पूरा नहीं नाम लिखा गया है, यहाँ पे केवल क्या लिख दिया गया है, लिन, मतलब इनका शॉर्ट फॉर्म है और उसमें से पहला लेटर इनका नेम का क्या होता है, कैपिटल। तो उस तरीके से हम लोग एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, सिस्टम को अंजाम देते हैं, इस रूल्स के अनुसार ही हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखा जाए। इस तरह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे मैं आपको बता चुका। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बोर्ड सिलेबस का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर अप करता हूं, साथ ही साथ आपका नीट सिलेबस भी फुल कवर होता है। और अगर कोई क्लासिफिकेशन या फिर कोई नाम याद करने में प्रॉब्लम आती है तो उसका प्रॉपर ट्रिक भी इस चैनल पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट और जो कंसेप्ट एंड ट्रिक्स हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।